हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? तो आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस, आप सबका स्वागत है रश्मि ऑफिशियल चैनल में। तो मैं आज कुछ नया नहीं, पुराना ही है। हरी सब्जियों में तो कुछ नया होता ही नहीं है, वही आलू, टमाटर, भिंडी, पालक, तो यही सब। सर्दी में आपको मैं अच्छी अच्छी डिश बना के आपको मतलब जल्दी दिखेगा। थोड़ा ठंड का मौसम हो जाएगा क्योंकि गर्मी में मेरे से नहीं खड़ा हो जाता किचन में। तो वैसे मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो ये मैंने एक टमाटर काटा है और इमली तो थी नहीं, तो इसमें मैंने नींबू का रस लिया है, प्याज है दो, और ये मिर्ची है, मतलब रेड वाली जो है मिर्ची, देख रहे हो आप, ये हरी मिर्ची रेड में हो गई, याद रखें। अभी आती हूँ बस। क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं कह रहा, मुझसे नहीं कह रहा। तो गाइस, मैं थोड़ी आज भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और क्या बनाऊंगी? घी, दाल, मूंग की थोड़ी सी अपने लिए। लाइट आ चुकी है। तो गाइस, मैं तेल गर्म हो चुका हूँ, थोड़ी सी मैं दाल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मूंग की दाल। भिंडी जो है ना, वो भिंडी रखी हुई थी जिया। अगर ये गर्म होता है तो ऐसा बताओ, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? आप लोग सोचते होंगे बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाते हो, तो गाइस आपको पता है कि गर्मी है और लाइट आ रही है जा रही है, कुछ पता नहीं है लाइट का। सुबह से लाइट ये ड्रामा कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इन्वर्टर डाउन होने का कुछ नहीं पता है। तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, 5 बजे 6 बजे जल्दी खाना बना लेती हूँ, कुछ खा देने वाले। तो गाइस, भिंडी जो है ना, वो कई तरीके की बनती है। भरमा भिंडी बना लो, और मसाला भिंडी हो गया, फ्राई भिंडी हो गया। तो मैं जिस तरीके से बनाना पसंद करती हूँ, मुझे खाने में पसंद होती है, तो मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। मेरे लिए थोड़ा फ्राई हो जाएगा, तीन थोड़ा मिर्ची डाल दूंगी। चलो तो गाइस बनाते हैं चावल, भिंडी और चावल। मेरा ये फ्राई होता है। तो गाइस, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दाल में सिंपल बनाऊंगी, ऑनली सिंपल, जीरा और हींग, घी में छोका लगाऊंगी, थोड़ा सा घी गिरूंगी, ज्यादा नहीं। तो दे देते हैं हरी मिर्च, चावल भी बहुत है। दो ग्लास बहुत चावल, आप लोग देखते रहो मैं इस तरीके से बनाती हूँ भिंडी। हींग में अनुसार स्वाद के लिए लगाती हूँ, क्योंकि हींग डाल के बनाओ सब्जी ना, हींग थोड़ा सा लगा दो ना सब्जी में, स्वाद ही अलग होता है। तो दाल मैंने भिगो दिया, देखो देखते रहो। प्याज फ्राई होने वाला थोड़ा सा, इतने रख देते हैं हम गैस पे कुकर। हम ये
छुटकी अच्छे से डाली भिंडी, तो भिंडी मैंने सुबह धो के अच्छे से वॉश करके भिंडी, और मैंने जाली वाली जो मेरी वो है टोपी है ना उसमें रख दिया था, क्योंकि अगर हाथों हाथ भिंडी धो के ना काटनी नहीं चाहिए क्योंकि पानी रह जाता है, तो फिर भिंडी में ना डाला डाला सा अच्छी चुकी हो जाती है। इसमें मेरी भिंडी फ्राई होती है, तो गाइस मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, टमाटो करना है जो मैंने टमाटो काटा है, और जो खटाई है मतलब नींबू का जो जूस है वो मुझे इसमें डालना है, और नमक लगाना है, हल्दी पाउडर लगाना है, अपने भी चॉइस होती है कोई हल्दी पाउडर डालता है कोई हल्दी पाउडर नहीं डालता है, ऐसे ही बना लेते हैं, तो लेकिन मैं हल्दी पाउडर लगाती हूँ, आप बने रहो खा लेते हो। तो गाइस कपड़े उतार के अभी बेटा लेके आया है, और मेरे को कपड़े सारे कपड़े मम्मी ने बैठे बैठे तय बना दी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े अभी अच्छे से तय लगानी है, फिर मैं कपड़े लगाऊंगी। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आज मेरे घर पे बेडशीट लेके आए हैं, तो मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ खोलने का, फिर आप मुझे बताना कैसे लगी। तो गाइस ये है कंबल खोलने वाले, दो है इसमें, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार खोल के अच्छे से। तो आदमी इसको अच्छे से ओढ़ सकते हैं, कैसे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो गाइस ये बहुत हमें महंगा पड़ा है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है, तो ये दो है गाइस, और एक ये है बेडशीट। तो गाइस ये जो बेडशीट है ना सबको पसंद है, इसका कलर बहुत अच्छा लगा, तो ये हमने परचेज कर लिया यहाँ से। तो मैं अपने ब्लॉग में मैंने ये डाल रखा, मैं वीडियो में ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किसी को बेडशीट या ब्लैंकेट की कुछ भी सामान लेना हो इस शॉप पे जरूर जाएं और लेके आए, थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको दोनों चीज़ कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना गाइस। तो यहीं से ही हम लोग लेते हैं, गाजियाबाद से आए हैं, तो बेडशीट वगैरह हम लोग यहीं से ही खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ वहाँ पे मिलता है सब चीज़। तो गाइस मैं लिंक जरूर डालूंगी ताकि आप लोग भी लेके आओ, आप लोगों को पता होना चाहिए ना, तो सारी बात जो भी हम चीज़ लेते हैं खरीदते हैं ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा ये नहीं परेशान को ले तो नहीं ले पाए थे, बट ऐसे करते हैं हम आपको बताते हैं सारा चीज़ बताते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप जाकर सर्च करना और उसकी फोटो लेके आना जो गाजियाबाद में रहते हैं लोग, जो गाजियाबाद के अंदर भी थोड़ा बाहर भी आप जाके ले सकते हो। एक ही चीज़ खरीदते हैं जब भी साल में या छः महीने में पाँच महीने में जब भी हम वो चीज़ खरीदते हैं तो हम किसी से भी खरीदते हैं क्योंकि इसका कपड़ा अच्छा निकलता है, कभी कपड़ा ऐसा नहीं कभी कच्चा निकल जाए, कलर का डर को ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटो, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी गार्लिक पाउडर। अब आ जाती है हमारी क्या खटाई, तो गाइस मैंने आज मूंग की दाल बनाई थी, मेरा मन था मूंग की दाल खाने का, भिंडी होगी साथ में और चावल, मम्मी के लिए रोटी रखी है, चावल मैंने भिगोते, चावल में आधा घंटा कभी भी जब भी बनाती हूँ तो आधा घंटा भिगो के बनाती हूँ क्योंकि ये चावल बहुत अच्छा है, और आधा घंटा भिगो के आप कभी भी ट्राई करना, बहुत अच्छा चावल बनेगा। चलो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ, मुझे कैसे पसंद है, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, अगर सबसे ज़्यादा ये ब्लॉग मेरा वायरल करना, कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट में लिखना, और किस किस को ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ बताना जरूर। मिलते हैं शाम को लाइव 9 बजे।